हैडुम पंचायत स्थित कल्याणपुर चौक पर बुधवार दोपहर को पोस्ता उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व लावालौंग बीडीओ अमित कुमार ने किया। मौके पर उनके साथ थाना प्रभारी विवेक कुमार व अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। लोगों को जागरूक करते हुए बीडीओ एवं थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्ता हमारे लिए राज्य गाँव ही नहीं बल्कि देश के लिए बेहद घातक सिद्ध हो रहा है। ये कई परिवारों को बेघर एवं बच्चों के अनाथ होने का कारण बना हुआ है। दिन ब दिन इसकी लत के कारण हजारों लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अतः हम सबको मिलकर समाज एवं देश हित में कदम उठाना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को नशे एवं बर्बादी की लत से बचाया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा अफीम की खेती करने के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही अब हर जगह ड्रोन के माध्यम से अफीम की खेती करने वालों पर नजर रखी जाएगी। अभियान को सफल बनाने में वन विभाग के साथ साथ भावी जन प्रतिनिधि छट्टू गंजू, कैलाश भारती, राम जतन तूरी, बुली गंजू एवं वन कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें सिकंदर कुमार, दुर्गा प्रसाद महतो, अमित कुमार, कुंदन कुमार समेत अन्य लोगों का नाम शामिल है। सर, ये जो अभियान आज चली है, सर विशेष रूप से क्या चर्चा की गई? चूँकि हमारा लावालौंग प्रखंड जो है, यहाँ अफीम की खेती बहुत आयत में पूर्व का इतिहास जो रहा है उसमें अफीम की खेती होती रही है। तो हम लोग पूरा ब्लॉक से, हम थाना प्रभारी और पूरा टीम निकले हैं। वर्तमान में तो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं पंपलेट और स्टिकर के द्वारा, और जागरूकता अभियान चला के ये समझाया जा रहा है कि अफीम से किस तरह का नुकसान है। सर, यहाँ पे बहुत से लोगों का ये पता चल, जो नया अभी जो निर्वाचन अभी चल रहा है चुनाव, पंचायत चुनाव का, लोग प्रलोभन दे रहे हैं कुछ उम्मीदवार लोग कि आप खेती कीजिए, इस पर हम आपको हेल्प करेंगे, इस पर क्या अंकुश लगाना चाहेगी? इस तरह के प्रलोभन की तो मुझे कोई जानकारी अभी नहीं मिली है जी। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आवश्यक रूप से उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और कोई इस भ्रम में न रहे, एकदम स्ट्रिक्ट इस बार हम लोग संकल्पित हैं कि अफीम की खेती को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने देंगे। सर, यहाँ से शुरुआत की गई है आज? ये पहले भी एक कुछ जगह चला है, लेकिन आज हम लोग और सीरियसली आज से फिर एक अभियान के रूप में चला रहे हैं। ये अभियान कितने दिन तक चलेगी सर? ये लगातार चलेगा जब तक जो पूरा अफीम का सीजन है, हम लोग लगातार इस अभियान को चलाते रहेंगे। R9 भारत के लिए मोहम्मद शाजिद की रिपोर्ट, लावालौंग से।